उत्तराखंड के दूध एवं कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार ने एक साल में दूध उत्पादनों का 12 रुपए लीटर तक मूल्य बढ़ाया है। वहीं लंपी वायरस के मसले पर सरकार पूरी तत्परता से किसानों के जानवरों के इलाज के लिए काम कर रही है। हल्द्वानी में उत्तराखंड के दुग्ध एवं कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने तीन पानी क्षेत्र में दुग्ध विभाग के निदेशालय का भूमि पूजन और सेंट्रल लैब का शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि 5 करोड़ से डेयरी निदेशालय भवन और राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड योजना से सेंट्रल लैब खोली जानी है, जिसका फायदा राज्य के दुग्ध उत्पादकों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को होगा। राज्य में दूध की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने एक साल में दुग्ध उत्पादकों का 12 रुपए लीटर तक मूल्य बढ़ाया है। वहीं लंपी वायरस को लेकर सरकार पूरी तत्परता से किसानों के जानवरों के इलाज के लिए काम कर रही है। और पूरे नॉर्थ इंडिया में भारत सरकार ने उत्तराखंड सरकार को सराहना करी थी जिस तरीके से हमने लंपी को रोका था। इस बार भी हमने लगातार वैक्सीनेशन हमारे चल रहे हैं। लगभग 2023-24 में ही अगर आप देखेंगे तो हम 11 लाख जानवरों के आसपास का वैक्सीनेशन कर चुके हैं। 798 जानवरों की जो मेरे पास कल तक की फिगर थी, 798 जानवरों की जो है मृत्यु हुई है लंपी से। हमारा रिकवरी दर लगभग 97% का है, मृत्यु दर 3% का है। कोशिश लगातार जारी है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन होता रहे, जितना वैक्सीनेशन हो जाएगा। हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है क्योंकि जितने भी डेयरी उत्पाद है उसकी टेस्टिंग के लिए, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी जाँच के लिए अभी हमारे पास एक लैब है जो सीमित संसाधनों में काम कर रही है। लेकिन सेंट्रल डेयरी लैब हो जाने से हमें उच्च कोटि के उपकरण मिलेंगे और हम जो जाँचें होती हैं उच्च कोटि की जाँचें या जो आवश्यक जाँचें सारी जाँचें होती हैं उनको हम अपने यहाँ उत्तराखंड में करवाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहाँ है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज।